आपने अगर एक माउजर गन से सब आदमी को मारा और मारा जो और सीधे गोली पेट पर लग के और पीछे से निकल गई तो 307 में आ गया सर। अच्छा ऐसा है अब तो इंटेंशन सर इंटेंशन होता तो वी वुड फायर ऑन हिज चेस्ट और इन हिज हेड टू डायरेक्ट सीधे मारते नो सर ऑन हिज हेड और डायरेक्ट ऑन हिज चेस्ट जिससे कि सडन डेथ हो उसकी। यस आई वी अप्रिशिएट योर आर्गुमेंट कमेंट ऑन रिक्वेस्ट उसमें कौन वकील साहब है साथ में? मैं हूं सर। आप ही हैं? छह नंबर दीजिए लाइए आप फिलहाल नंबर वन बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह? यस सर। जस्ट अ मिनट। डेट ऑफ इंसिडेंस क्या है? डेट ऑफ इंसिडेंस है सर 15th ऑफ जुलाई 2012। कस्टडी? कस्टडी सर 16th ऑफ जुलाई 2012। 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं सर। डेट ऑफ जजमेंट? डेट ऑफ जजमेंट है सर 13th of May 2015. So you were in custody during trial? Yes, sir. So now it's over 10 years? Yes. All right. Offense? Offense 302, 307 red with 34, and 323 red with 34 IPC. Let us see the judgment. Para 3 of the judgment. Yes. अभियोजन के अनुसार 15/7/2012 को दिनांक करीब 12:30 बजे मृतक जितेंद्र सिंह अपने भाई सुरेंद्र सिंह सत्येंद्र सिंह पिता लक्ष्मण सिंह के साथ पटिया वाले खेत में बाजरा बो रहा था कि जितेंद्र सिंह की गाय आरोपी बलवीर सिंह के चरे वाले खेत में चली गई तो आरोपीगण आकर लक्ष्मण सिंह को और उसे गालियां देने लगे जिसे रोकने के लिए आरोपी बलवीर सिंह के पास ही में बने उसके घर से लाइसेंसी माउजर बंदूक आरोपी विनोद सिंह धरिया लिए आरोपी रवि बल्लम लिए आरोपी छुन्ना लाठी लेकर आ गए तब मृतक जितेंद्र सिंह आदि ने बाजरा बोना बंद कर दिया। आरोपी बलवीर सिंह ने जान से मारने की नीयत से जितेंद्र सिंह को गोली मारी जो उसके पेट में लगी वह लगकर पीछे से निकल गई खून बहने लगा जितेंद्र सिंह को मौके पर ही गिर गया। लक्ष्मण सिंह ऐसा एक बचाने के लिए जितेंद्र सिंह के लिए गया और आरोपी विनोद सिंह ने लक्ष्मण ऐसा एक के सिर में धरिया मारा। आरोपी रवि ने दाहिनी बाह में बल्लम मारी जिससे चोट आकर खून निकलने लगा। आरोपी छुन्ना ने लक्ष्मण सिंह ऐसा एक को 3-4 लाठी मारी जो लक्ष्मण सिंह के नाक और शरीर में अन्य अन्य जगह लगी। सुरेंद्र सिंह ऐसा दो बचने के लिए आया बचाने के लिए आया तो आरोपी छुन्ना ने उसे 3-4 लाठी मारी जो उसे दाहिने बाह में लगी। मौके पर राजेंद्र सिंह ऐसा 3 पातीराम ऐसा 4 वह अन्य लोग आ गए जिन्होंने बीच बचाव किया। जितेंद्र सिंह को अधिक चोट थी इसलिए उसे मौके से रामवीर परिहार अपनी गाड़ी में चिकित्सालय ले गया। बलबीर सिंह हुए एक। यस सर। दूसरे कौन हैं? इसमें विनोद 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 लिए थे धारिया। यस सर। ये लिए थे माउजर गन। तीसरा कौन है? रवि वो बल्लम लिया हुआ है। लक्ष्मण सिंह को मारा है विनोद ने मारा लक्ष्मण को रवि ने मारा विनोद को ही मारा है ना। छुन्ना ने
मिश्रा ने छुना है। बखा मारा तो बलबीर सिंह एक हुए, विनोद एक हुए, रवि एक हुए, विनोद एक है, विनोद रवि बलबीर और चुन्ना चुन्ना चार लोग। तो बलबीर ने तो सीधे पॉइंट ब्लैंक शॉट मारा। यस इसमें सर डिसीज की इंसिडेंट से 9 दिन बाद उसकी डेथ हुई है। उसमें डॉक्टर का कहना है कि ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन उसकी डेथ हुई है। देन आफ्टर सर सडन क्वेरल हुआ है तो 300 के एक्सेप्शन 1 और 4 में ये कवर होगा। सडन क्वेरल है एंड हीट ऑफ पैशन में इन्हें जो आसपास के खेत की वजह से गाय में गाय के जाने आपको ये बताओ whether it will fall under part 1 or part 2। सर part 1 क्यों सर? क्योंकि सडन क्वेरल है, सडन क्वेरल की वजह से 3 और 4 में आ गए। तो ये सर आप ये बताओ part 1 में जाएगा कि part 2 में जाएगा? सर उसको डिफाइन करने के लिए आई हैव बॉट एन केस लॉ फॉर सच। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। यस सर बट आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन फर्दर। सर इंटेंशन इसमें फिर इंटेंशन आ जाएगा कि हमको ऐसी इंजरी कॉज करनी थी जिससे उसकी डेथ ही हो जाए या फिर ऐसी इंजरी जिससे उसकी डेथ हो सके। तो आपने अगर एक माउजर गन से सर आदमी को मारा और मारा जो और सीधे गोली पेट में लग के और पीछे से निकल गई तो 307 में आ गया सर। अच्छा ऐसा है? नहीं, if he survives, अगर वो बच जाता है देन नहीं, ये का पहलू आपका है और करना चाहिए भी भाई, आपका मुवक्किल है, बचाना है आपको तो। लेकिन सवाल ये है कि वो जो गोली लगी पेट में वो उधर से निकल गई और उसके 9 दिन बाद इलाज के दरमियान मर भी गया हुआ। देयर इज नो अदर एक्सट्रेनियस इंटरवेंशंस ऑफ एनी इंफेक्शंस व्हिच लेड टू हिज डेथ। यस सर इट वाज डेथ ड्यू टू द बुलेट इंजरी। सो वी आर नॉट ऑन अ पॉइंट ऑफ इंजरी, वी आर ऑन अ पॉइंट ऑफ योर माइंडसेट। व्हाट वाज योर कुड यू से दैट यू डिड नॉट हैव द इंटेंशन? सर इंटेंशन होता तो वी वुड फायर ऑन हिज चेस्ट और इन हिज हेड की डायरेक्ट सीधे मारते। नो सर ऑन हिज हेड और डायरेक्ट ऑन हिज चेस्ट जिससे कि सडन डेथ हो उसकी। यस आई वी अप्रिशिएट योर आर्गुमेंट बट ऑल सडन डेथ वी फाइंड इट टू बी अ पॉइंट ब्लैंक मर्डर। सर इफ माय लॉर्ड कंसीडर सर मैं केस लॉ लाया हूं बिल्कुल सेम इंस्टेंस पे है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 302 में ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया था। देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ने इसको पार्ट वन में करके 7 इयर्स का कन्विक्शन किया है। सर यस सर साइटेशन 2017-1 SCC criminal 749। इसमें सर इसकी प्रोसिक्यूशन स्टोरी मैं इसमें बता देता हूँ। एज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन लेड एट 3:15 PM ऑन द सेम डेट वर्ड रिवील इन द मॉर्निंग देयर ऑफ द कैटल ऑफ द डिसीज एंड हैड स्ट्रेड इन टू द फील्ड्स ऑफ सूरज बाली एंड अदर्स एंड हैड एलिजली डिस्ट्रॉयड द आहार क्रॉप्स ऑफ द एक्यूज पर्सन ऑन बींग एब्यूज बाय दैम एक्यूज पर्सन द डिसीज हैड बैक द कैटल एंड रिटर्न होम क्रेस्ट फेलन। While he was sitting in his compound in the afternoon at about 1 PM in the company of his of the informant, his brother Gaya Prasad PW1 as well as Sita Ram PW2 and Ram Sejwan alias Dhunna PW4 altercation broke out between him and the accused person including the appellants who resided next door on the same issue. The heat exchange flow that followed escalated temper whereupon as per the prosecution the appellants along with Suraj Bali and Chandra Bali pounced on the deceased in a body. On being exhorted by Suraj Bali to eliminate the deceased, appellant Dio Munni alias Putti at his instant bought his gun and fired at Lanni.
As Lanni fell, being injured on the other accused person joined the assaults with lathis. The informant and the other two witnesses, though intended to intervene, they were prevented from doing so by pointing out gun towards them. Lanni died at the spot. Yes, spot pe mar gaya sir. But all said and done, there the first fight took place. So thereafter they all went in their courtyard where they were sitting. And then I am not saying that your case may not fall under 304. I am on a point of part 1 or part 2. Sir. Now, where the bullet had caused injuries in that case? Sir, seedhe inke chest pe shot kiya hai, isme aaya hai, aur wo sudden death hui hai uski maa pe. Sir, if you want to look. We will fix it for hearing, final hearing. Sir, final hearing ke liye. फिफ्टी का मैटर है, विल फिक्स इट. आई हैव टू आस्क माय क्लाइंट दैट आई दैट ही वांट्स टू. वी कैन फिक्स इट फॉर फाइनल हियरिंग वंस फॉर ऑल इफ यू डिसाइडेड. सर आई विल विथड्रॉ देन आई विल फाइल द एप्लीकेशन फॉर फाइनल हियरिंग. नो यू वी विल एक्सपेडाइट द हियरिंग. व्हाट डू यू से? हाउ व्हाट इज योर आंसर टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? सब पोजीशन है कि तो पेशेंट पर था करके उन्होंने एकदम से उसी रूम बैठे हो. यहाँ पर ये कि उन्होंने कि उसको ही इज हैविंग द इंटेंशन एंड नॉलेज बोथ. और अर्लियर पॉइंट है एज पर द डेफिनेशन सेक्शन 300 फ्रस्ट्रेशन कि ये अगर गनशॉट से इंजरी कॉज कर रहे हैं, गनशॉट इंजरी से इनका सब कोई दूसरा सिंपल इंजरी कॉज करना या इनको केवल उसको नहीं. बट व्हाट इज योर आंसर टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? वन मोर थिंग सर, इसमें मैं थोड़ा बताना भूल गया. इसमें इसके अरेस्ट मेमो में इसको इंजरी सस्टेन की है इसके हेड पे, उसका कोई मेडिकल नहीं हुआ है. बट जब पुलिस नेक्स्ट डे अरेस्ट करने गई है तो देन उससे क्या इम्प्रूव कर पाओगे सर? सडन क्वेरल के लिए तो हम एग्री कर रहे हैं आपसे ना. इट मे बी सडन क्वेरल. यस सर. आई एम ओनली ऑन अ पॉइंट ऑफ पार्ट 1 और पार्ट 2 बिकॉज़ इफ ही गोस विद नॉलेज विद इंटेंशन देन मिनिमम 10 इयर्स. चेक करके बताओ.